कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। पूरी दुनिया में 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, लेकिन भारत में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते लाखों लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। जानिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये कौन सी बीमारियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के चलते भारत में 2.20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। WHO की ही 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के चलते 4.40 लाख लोग मौत का शिकार बने हैं। कैंसर इंडिया ओराजी वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत में सिर्फ कैंसर के चलते 7.84 लाख से ज्यादा लोग मौत के शिकार बने। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.51 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। लिंसेट जर्नल की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल की बीमारी के चलते भारत में 28 लाख से ज्यादा मौत हुई। लिंसेट जर्नल की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12 लोगों की जान सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते हुई थी। सांस की बीमारियों के चलते भी भारत में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 1.29 लाख थी। मामूली से लगने वाली डायरिया जैसी बीमारी से देश में 2016 में 1,02,813 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।